हरं वं वं हं शं तं पं वं वं मं मं हं हं शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं श्रीं श्रीं राम राम द्रीं द्रीं द्रावै द्रावै नमुरते भगवते श्रीमते पवित्रतरजलेन जलाभिषिञ्चामिति स्वाहा। लीजिए बारी बारी कलश करते जाएंगे, बाकी लोग जिन्होंने कर लिया वो पीछे आ जाइए। ओम रीम शिव तीर्थोत्तम भवैनी राम, ओम रीम शिव विश्वादि वीरांतांजलि निष्णुप्याम, ओम रीम शिव विश्वादि वीरांतांजलि निष्णुप्याम, ओम रीम शिव विश्वादि वीरांतांजलि निष्णुप्यामिति। श्री जी का अभिषेक करी अमोनिक शुद्ध जलि द्वारा, धुले जाए पाप हमारा। श्री जी अनंत गुणों वाले हैं, ये परम शुद्ध तन वाले हैं, इनके चरणों में वंदन करी शतिवारा, फिर करें शुद्ध जलिधारा। श्री जी का अभिषेक करें हमोनेक शुद्ध जलि द्वारा, धुली जाए पाप हमारा। शुर इंद्र लोक भी स्वर्गों में अभिषेक करे नित भवनों में, हे पूज्य करें हमोनेक शुद्ध जलि द्वारा, धुले जाए पाप हमारा, धुले जाए पाप हमारा। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। विश्व वंदनी संत श्रोमणि आचार्य शिक्षक विद्यासागर जी महाराज की जय। संघा संबंध प्रवर्तक भावनायुक्त प्रवर्तक परम पूज्य मुनिवर्ष अक्षर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बंधु आप देख रहे हैं पारस चैनल के माध्यम से सातवें स्वामी शिखर की पावन तलटी में स्थित गायतन परिसर में नित्य प्रति अभिषेक एवं शांति आरा गुरुवर के मुखारविंद से 64 रिद्धि मंत्रों के द्वारा होने वाली शांति आरा में आप भी अपने जन्मदिन के अवसर पर वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर विशेष अवसर पर शांति आरा करा के शांति से पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। आज पार्श्वनाथ भगवान की मोक्ष कल्याण के शुभ अवसर पर जिन्होंने नित्य शांति आरा जुड़कर शांति आरा कराने का परम सौभाग्य प्राप्त किया है, कोलकाता मुंबई बेंगलुरु से पवन कौर जी, पाना देवी शेठ, श्रीमती पाना देवी शेठी, विनय शर्मिला, विकास श्रीमा, विवेक संध्या, विशाल अनिता, रोहित मिघना, साहिल, प्रियंक, पलक, जयदित्य, रशिल, कवि सिटी परिवार, सिंगापुर से नक्षत्र विनोद जी, श्रीमती अर्चना जी, शिल्पा अरियन, तेजस, श्रीमती छाया, सरोजन शाह परिवार, कन्नौज से श्रोमेशन नक्षत्र श्रीमती राज दुलारी जी, राजन जी, गीता अनिल, ममता, पेमी, नमन, अलीसा, यशिका, निकिता, शुभम, युक्ति जैन शाह परिवार, कोलकाता से श्रोमेशन नक्षत्र प्रेम जी, प्रमीला जी, पुत्र श्रियांश, ऋषि जैन शाह परिवार, नागपुर से श्रोमेशन नक्षत्र सौभाग्य मीना जी, अनिल कुमार, सिद्धि सोनिया जी, आदि जी, सिंगापुर तो सौभाग्य स्वाति जी, पीयूष जी, मास्टर रियान, रियान जैन, विद्यासागर रोडवेज बी एस ग्रुप शाह परिवार, कन्नौज से श्रोमेशन नक्षत्र महेश कुमार, पीयूष, कल्पना, बीज बजाय लक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांश, ईशान जैन शाह परिवार, जयपुर ओमिका से श्रोमेशन नक्षत्र श्रीमती कमला देवी जी, दिनेश कुमार, विनीता, भैया अक्षिता, विनीत, जानवी, विराज, पापड़ीवाल साहब परिवार, देहरादून से श्रोमेशन नक्षत्र शिवनो जी, कमलेश जी, आशीष, मेघा, अतिन, पूजा, ऋचा, विवेक जैन, रामपुर वाला साहब परिवार, जयपुर से श्रोमेशन नक्षत्र नंदकिशोर जी, शांति देवी, प्रमोनीना, शुली, निशा, अंकित, एति, आद्विक, अनिया, युवराज, अनुष्का, पाड़िया साहब परिवार, गोपाल से श्रीमती राजकुमारी, धर्मपति, संतोष राव, पुत्र बुध सपन जी, ममता, विकास, वैद्वान, उन्सोलती साई, आश्रय नैनी, नोनी, ऐशना, आईना, शराब साहब परिवार, दिल्ली, सूरत से श्री विनोद जी, अनिल जी, अमित, सचिन, विकेश जैन साहब परिवार, गंजवासा से स्वर्गीय कुमार, श्रीमती जतन भाई, श्रीमती मंजुलता सुपत्र, एकांश, श्विता जी, आंसी जैन साहब परिवार, कोलकाता मुंबई से श्रीमती चंदक जय, प्रकाश चंद जी, शरला देवी पाटनी, पूजा आदित्य पाटनी, पुतिता माच, आचार्य चंद्य पांड्या, समत अतीर फाउंडेशन साहब परिवार, फिरोजाबाद से श्रीमती चंदक से श्री रंतेश जी, श्रीमती कमलेश जी, दिनेश मीना, मुकेश संजू, नितिन, पूजा, अंकित, रूबी, पारस, निशु, श्यांश, आंसी, अनंत, मितानसी, वाणी, ओजस, पीछा, जैन साहब परिवार, गुड़गांव से श्रोमेशन नक्षत्र अजित प्रसाद, संतोष देवी, पंकज टोली, ऋषभ भंजन, संजना, संजय, नैन्सी, यश जैन साहब परिवार, भोपाल से श्रोमेशन नक्षत्र मिनी संगीता, पुलगे देव्या, पुनीशा, फाली, शुरवित, मेल, सादा, शेखर चंद जी, हर्षित, सुष्मित जी, गोदा साहब परिवार, दुर्गापुर से श्रोमेशन नक्षत्र सी अनिल जी, अमिता जी, शशांक, प्रीति, तरुण, भूमा, सेतो, मिथुन, मानवी, श्रीमन, ईशानवी, अहिली, शंभव जैन साहब परिवार, नवमी से श्रोमेशन नक्षत्र प्रमोद जी, सुमन जी, स्वाति, साकाचार्य, जमावड़िया, प्रेरणा जी, विशाल जी, विवान जी, गुप्ता साहब परिवार, आगरा से चक्री जी, श्रीमती शिखा जी, पुत्र पुत्री प्रखा जी, सौम्या जी, अन्वेश, सागर से संताभक श्री प्रेमचंद जी, श्रीमती संध्या जी, सौरभ रोही, गौरवनामिका, नीरज पायल, दिव्यांग जितासो, शुभंकर, हिताशा, निरुपकार परिवार, जयपुर से गणतंत्र उपाध्यक्ष श्री अरविंद जी, राजा, सुनीता जी, अंकित, अनामिका, राहुल, तनकृति, वीर, मनीषी जैन साहब परिवार, टीकमगढ़ से संस्थापक श्री बाबूलाल सतोया, अखिलेश, श्रीमती मीना जी, असीम, श्रीमती रेमपी, अपूर्ण, शशि, शिविर, दिव्य सतवैया, अध्ययन सतवैया साहब परिवार, कटनी, सतान, सिंह, राजकुमारी, प्रेमचंद जी, प्रेमी, रमेश जी, दिनेश जी, महेंद्र,
संजय अरहंत अक्षर अक्षत अहंत का समर्पण परिवार बरेली उत्तर प्रदेश संस्थापक अनिल कुमार थी त्रिशला जी एकता और दिवस का जिन सह परिवार जब लोग निर्मला जी विजय कुमार शैलेंद्र जी मिति प्रियंका रूपेंद्र कुमार मिध्यांश पीबी अनश जैन लेमेटा वाला परिवार मुंबई से सुमित चनक अरविंद जी मिति ममता जी प्रशांत दिव्या भरत पारा जी जैन सह परिवार विदिशा से संस्थापक मिति कमलाबाई चंद्रशेखर जी अनिता प्रिया दिव्या उदंग जैन सह परिवार रांची से संस्थापक गुणायतन मंत्री जी मिति चंदकला जी नीरज जी नीलांशा जैक जी पाटनी सह परिवार रामगंज मंडी से संरक्षक सदस्य श्री माता श्री संतोष भाई सूरज कुमार रेखा प्रीति अंकित प्राची सिद्धार्थ पूजा संतोष नितिन नीतू जान बाबरिया परिवार दोतरा वाले रत्नाम श्री भूमि संरक्षक भवदानी ज्ञानवती देवी राजेश रेखा चंद्र रघुवाल साहब परिवार इंदौर से भूमि संरक्षक श्रीमती विमला देवी जी मुकेश कुमार चंदन वाला जी विजय ममता संजय ज्योति रितिका हितेश लाइशा प्रियांश कामनी प्रज्वल दीपिका लवीना दीपांशु अभिरचना धृति वर्धनी पाटो दिकासलीवार परिवार अलवर से भूमि संरक्षक तारचंद जयंती परिवार वीएसए संस्थापक से अजय जी मधु जी अलदुलरीना आदि अभिरिया जी अंजु मेहता अमित मेहता साहब परिवार को नौ सौ संरक्षक चिंतामणि सवाईला जन सह परिवार जब कोलकाता से श्रोमित संरक्षक श्रीमती चंदा देवी धपति मोतीलाल शांतिलाल सुमति देवी निर्मल मीना विजय रश्मि अजय कंचन याचिक अंकिता गौरव नैतिक जी शराब की सह परिवार बिलासपुर से श्रोमित संरक्षक श्री विनोद जी रंजन डॉक्टर विशाल डॉक्टर रेशु वर्षा अभिषेक अंकिता विकास विमान रियाना अभी अभिराजन कोयला परिवार कटनी से श्रोमित संरक्षक श्री उत्तमचंद श्रीमती प्रभाजी अनुराग श्रीमती जोही अनुज श्रीमती विभा डॉक्टर अजय डॉक्टर अभिलाषा डॉक्टर सुदीप डॉक्टर आभा अनिष्का अरयो किरा प्रंजय अरन अशिका जैन कोयला वाला परिवार अरुण से संरक्षक श्रीमती प्रेमलता जी विजय मंजू गगन के टी अरुगो रन चांदी जैन सा परिवार बक्सर गुजरात से श्रोमणी संरक्षक भूपेन भाई श्रीमती शोभरामेन अतुल सीतन निहाल मंदाधानी समस्तलाधानी परिवार जयपुर से श्रोमणी संरक्षक शांति कुमार श्रीमती ममता जी प्रीतम सिद्धेश पीति आदित्य नित्या जैन समस्त स्वागानी परिवार जापाल मारे कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक प्रमी जी अनिल जी किरण जयश्री ऋषभ ऋषा मयंक शैलेश मोमपल्ली एकांत जी शराब की सह परिवार किशनगढ़ से श्रोमणी संरक्षक कंवरलाल जी अशोक जी सुशीलाई पाटनी सुरेश जी शांता जी विमल तारिका विनी सुचि विकास सिद्धा विनय ईशा विवेक ऋषभ आदि विमान मानिया रंजी पाटनी समस्त आके मल्ल परिवार उदयपुर संस्थापक सत प्रकाशन जी डॉक्टर ज्योति शांतिलाल श्रीमती पुष्पा देवी अवनी पुत्री अवनी भावेश देशना पुत्र अनिमेश कवि जन अखावत परिवार टीकमगढ़ से शिखा जी अनिल जी श्रीमती संध्या जी प्रदीप जी भदौरा श्रीमती रुचि चौधरी साहब परिवार गढ़ाकोटा मुंबई क्रांति शिल्पी अनुशोरिया जी शोरिया साहब परिवार कोलकाता से कुरायतन की यशस्वी अध्यक्ष विनोद जी रंजन जी राहुल जी रुतम जी सौरज जी काला साहब परिवार भोपाल से संस्थापक श्रीमती कंचन भाई श्रीमंदीलाल जी हेमलता साली रोहित सोनाली विदेही विदेशी शशि राम स्वराजन साहब परिवार भोपाल से श्री मिशन लक्ष्य राज्य जी निशान इंजीनियर भारी रोनी अंकल रोनाई जबड़को साहब परिवार जयपुर से श्रीमतराय जी शांति देवी सुपुत्र रमेन जी नरेंद्र जी सुरेंद्र जी पाटिल साहब परिवार निखार वाले वापी गुजरात से श्रोमणी संरक्षक भूपेन्द्र जी रेखा जी रेखा अनिशा देवा देव वीणा मायरा हुम्मड़ परिवार हुम्मड़ सा परिवार गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक अजय जी संजय जी रेणु जी राशिका तरुण सौर्या अंजय निशा नमन वंशिका जैन चौधरी परिवार कोलकाता से श्रोमणी जी नर्मदा देवी जी अजय जी अरविंद पिंकी कुशाक लवनिया भव्य तक्षी चुड़ियाल साहब परिवार बांदा से श्रोमणी संरक्षक पुष्पेंद्र सविता जी नातुन गुणगुण अखित महिता मनुष्वी नैवेद्य सराफ साहब परिवार गुवाहाटी कोलकाता से कुंडलिया सेठी सुमिनी छावड़ा के परिवार से श्रीमती रत्नमणि दे सेठी इंदा देवी छड़ा सुरेंद्र प्रीति सिद्धांत रिया सलोनी अजित मोनिका आयुष अर्णव मितिका विमान ऋतु देवश सुधीर स्थित हालते मुचुड़ियाल सेठी छावड़ा परिवार कोटा से रौनक जी निधि सर्वज्ञ जिनका नमन जी गोयन का साहब परिवार हम परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्कार देते निवेदन करते हैं हे स्वामी आज की शांति करा के हम शिव के जीवन को कृतार्थ करें के इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। रजनीश जैन रजनीश चंद्र जैन पुलकित जैन मोहन जैन निधि जैन स्थान का नाम नहीं लिखा इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। विद्या प्रमाणिक संघ दिल्ली इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। विमलाबाई भागचंद बिनाय के विनोद कुमार रविंद्र कुमार बिनाय के औरंगाबाद इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। अजित कुमार पंकज कुमार योगेश कुमार सम्यक परिका अनुष्का महिषार बड़जात्या परिवार शायद गुणायतन ट्रस्टी तो नहीं है गुणायतन ट्रस्टी डॉक्टर पंकज का परिवार इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। महावीर प्रसाद आशीष कुमार सजन कुमारी मोना जैन छजलानी कोटा इनके इनके परिवार में सुख शांति ध्वजलवी है ध्वज और लवी कोटा इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। तुषार मानसी मुकुल संगीता जैन दिल्ली इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और नित्य शांति धारा पुण्यजक बापी से गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक और मार्गदर्शक उपेंद्र रेखा हुमड़ रेखा जी हुमड़ प्रेक्षा अनिशा देव वीणा मायरा हुमड़ परिवार इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज की विशेष शांति धारा की भावना
जिन्हों आज विधान के भी पुण्य राजा के विदिशा से नित्या जैन के जन्म व्यवस्था राहुल रोशनी जैन परिवार, सागर से संस्थापक सदस्य संजय मोदी, हजारीबाग से संस्थापक सदस्य प्रताप छाबड़ा, अम्बेटा सहारनपुर से श्रीमती मधुर बीरेन पीयूष रिचका शाश्वत परिधि जैन परिवार, धुलियान से महेंद्र राखी अजमेरा, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दिल्ली से संस्थापक सदस्य श्रीमती सुशीला जी के पुत्र प्रदीप जैन, भोपाल से कुमारी आशी जैन के जन्म दिवस पर सागर से ऋषि राज जैन, कोटा से क्षितिज जैन, नंदुरबार से प्रकाश चंद जैन, फरुखाबाद से संस्थापक श्रीमती शशि जैन के जन्म दिवस पर श्रीमती शशि सुधीर जैन, स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना के साथ इंदौर से दीपक कासलीवाल, कोलापुर से सौभाग्यवती मनीषा दीपक पाटिल, आगरा से विजेंद्र कुमार जैन और गुवाहाटी से भंवरलाल जी कासलीवाल, इनके जन्मदिवस के अवसर पर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। इंदौर से संजय शरद जैन, माता राजमती जैन, उदयपुर से राजीव मोहित प्रीति खुशी जैन, बांदीकुई से रमेश चंद जैन परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज इनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना भाई गई। दिल्ली से ऋषभ गंगवाल, पुणे से निधि जैन, हांगकांग से सुहानी जैन वान्या जैन, कन्नौज मुंबई से श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल जैन, गाजियाबाद से रवि जैन निखिल जैन, धुलियान से अजीत अजमेरा, कोलकाता से श्रीमती पद्मश्री बैनाड़ा, सागर से ब्रह्मचारी बहन शकुन दीदी, जबलपुर से ब्रह्मचारी सुनील BSNL, देहरादून से शिरोमणि संरक्षक श्रीमती कमलेश जैन और न्यूयॉर्क से शिरोमणि संरक्षक श्रीमती दिनेश विनीता पापड़ीवाल, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और पाटन से आशुतोष जैन, ऑपरेशन और स्वास्थ्य लाभ की भावना से, सिमरा से अखिलेश जैन स्वास्थ्य लाभ की भावना से, और बेहस जैन जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। यहाँ जितने लोग प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं और जो परोक्ष रूप से शांति धारा का अनुमोदन कर रहे हैं, उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका हाँ कीर्ति कोनाल हो गया, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे, इस पुनीत भाव से शांति धारा का शुभारंभ करें। झाड़ी ले ले। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम भीम नमो रिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वध्यायानम नमो लोये सब शाहूनम चत्तारी मंगलम हनता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगो तुम्हार हनता लोगो तुम्हार सिद्धा लोगो तुम्हार साहू लोगो तुम्हार केवली पनत्तो धम्मो लोगो तुम्हो चत्तारी से नभो जाम हनते से नभो जाम सिद्धे से नभो जाम साहू से नभो जाम केवली पनत्तम धम्मम से नभो जाम। ओम ह्रीमनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। छुब्बट के टीम की टीम घाते घाते प्रविघ्नान स्फोटे स्फोटे सस्कंडान गुरु गुरु परमुद्रान छिंद परमंत्रान भिन्मिंद छुमपट सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम अर्म अशिया उनाहाद विद्याय रमो अरियंतानम रोम सर शांतिम कुरु कुरु। ओम अहराम सी ह्रीम आहुरुम ऊहुरौम साहर जगदाद विनाशना ह्रीम श्री शांतिनाथाय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ अशोकतुर सत्पातिया अनमृता अशोकतुर सत्पातिया सोन पदब्दामूलर ह्रीम विजय सर्वोदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ सुरपुष्पुष्टि सत्पातिया अनमृता सुरपुष्पुष्टि सत्पातिया सोन पदब्दाय अमूलर ह्रीम विजय सर्वोदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ दिव्यधुनि सत्पातिया अनमृता दिव्यधुनि सत्पातिया सोन पदब्दाय अमूलर ह्रीम विजय सर्वोदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय चाम्रतोलन सत्प्रातिहारमृताय चाम्रतोलन सत्प्रातिहार सोहन पदब्दाय रमलवार भीम विजय सर्वोदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहारमृताय सिंहासन सत्प्रातिहार सोहन पदब्दाय गमलवार भीम विजय सर्वोदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहारमृताय भामंडल सत्प्रातिहार सोहन पदब्दाय झमलवार भीम विजय सर्वोदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहारमृताय दुंदुभि सत्प्रातिहार सोहन पदब्दाय स्मूलवार भीम विजय सर्वोदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय छत्तत्त सत्प्रातिहारमृताय छत्तत्त सत्प्रातिहार सोहन पदब्दाय खम्बुलवार भीम विजय सर्वोदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय प्रातिहारी आश्रिताय बीजाष्टमनिर्मिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु।
ओम ह्रीम अरहम नमो जिनानम सर्व शांति ओम ह्रीम अरहम नमो ही जिनानम सर्व शांति ओम ह्रीम अरहम नमो परमो ही जिनानम सर्व शांति ओम ह्रीम अरहम नमो सबो ही जिनानम सर्व शांति ओम ह्रीम अरहम नमो अनंतो ही जिनानम सर्व शांति ओम ह्रीम अरहम नमो कोटि बुद्धिनम सर्व शांति ओम ह्रीम अरहम नमो बीज बुद्धिनम सर्व शांति ओम ह्रीम अरहम नमो पदानुसारिनम सर्व शांति ओम ह्रीम अरहम नमो संभिन्सो दारानम सर्व शांति ओम ह्रीम अरहम नमो स्वयं बुद्धानम सर्व शांति ओम ह्रीम अरहम नमो पत्ते बुद्धानम सर्व शांति ओम ह्रीम अरहम नमो बोहि बुद्धानम सर्व शांति ओम ह्रीम अरहम नमो उजु मदीनम सर्व शांति ओम ह्रीम अरहम नमो विबुल मदीनम सर्व शांति ओम ह्रीम अरहम नमो दस पुब्बीनम सर्व शांति ओम ह्रीम अरहम नमो चौदस पुब्बीनम सर्व शांति ओम ह्रीम अरहम नमो ठग महानिमित्त कुशलानम सर्व शांति ओम ह्रीम अरहम नमो बनिधि पत्तानम सर्व शांति ओम ह्रीम अरहम नमो विद्य हरानम सर्व शांति ओम ह्रीम अरहम नमो चारणानम सर्व शांति ओम ह्रीम अरहम नमो पर्ण समनानम सर्व शांति ओम ह्रीम अरहम नमो आकाश गामिनम सर्व शांति ओम ह्रीम अरहम नमो आशिभिषानम सर्व शांति ओम ह्रीम अरहम नमो दिट्ठिभिषानम सर्व शांति ओम ह्रीम अरहम नमो उग्रतवानम सर्व शांति ओम ह्रीम अरहम नमो दित्ततवानम सर्व शांति ओम ह्रीम अरहम नमो तत्तवानम सर्व शांति ओम ह्रीम अरहम नमो महातवानम सर्व शांति ओम ह्रीम अरहम नमो घोरतवानम सर्व शांति ओम ह्रीम अरहम नमो घोर गुणानम सर्व शांति ओम ह्रीम अरहम नमो घोर परक्मानम सर्व शांति ओम ह्रीम अरहम नमो घोर गुणमं भयारिनम सर्व शांति ओम ह्रीम अरहम नमो आमो सही पत्तानम सर्व शांति ओम ह्रीम अरहम नमो खेलो सही पत्तानम सर्व शांति ओम ह्रीम अरहम नमो जलो सही पत्तानम सर्व शांति ओम ह्रीम अरहम नमो विठो सही पत्तानम सर्व शांति ओम ह्रीम अरहम नमो सबो सही पत्तानम सर्व शांति ओम ह्रीम अरहम नमो मन बिलीनम सर्व शांति ओम ह्रीम अरहम नमो बची बलीनम सर्व शांति ओम ह्रीम अरहम नमो काय बलीनम सर्व शांति ओम ह्रीम अरहम नमो खीर सवीनम सर्व शांति ओम ह्रीम अरहम नमो सप्पि सवीनम सर्व शांति ओम ह्रीम अरहम नमो महु सवीनम सर्व शांति ओम ह्रीम अरहम नमो अमी सवीनम सर्व शांति ओम ह्रीम अरहम नमो खीन महानशानम सर्व शांति ओम ह्रीम अरहम नमो बद्धमानानम सर्व शांति ओम ह्रीम अरहम नमो लोए सब सिद्धाय दनानम सर्व शांति ओम ह्रीम अरहम नमो भयवदो महदि महावीर बद्धमान बुद्धि ऋषिनम चेदि सर्व शांति ओम नमो भयवदो बद्धमान सरिषयसजश्चकम जलप्तम गच्छेयार संपायलम लुयान भुयानम जुयाभिवादिवार नगरे वा थपने वा मोहने वा सब जीव सत्तानम पराज दो भवदो में रख रख स्वाहा श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुलगोत्रधनानि सदा सन्तु सदास्तु सद्धर्मश्रीबलायुरारोग्यैश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीम अरहम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु सदास्तु संभोजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शान्तिं भगवत् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवत् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवत् जिनेन्द्र जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय 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 चंद्रप्रभ भगवान की जय जय पार्श्वनाथ भगवान की जय 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 शांतिनाथ भगवान की जय जय महावीर भगवान की जय जय चौबीस तीर्थंकर भगवंतों की जय जय परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 परम पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय 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 लीजिए पहले अर्घ ले लीजिएगा पानी ये चंदन सदा क्षत पुष्प पुंज नैवेद दीपक सुधूप फल ब्रजेन कर्माष्ट का कथन वीर मनंत शक्ति संपूजयामि महिषा महिषा निदानम ओम ह्रीम श्रीम क्लीम त्रिभुवनपति सांधारा करोमि नमोत्तर कर्म पामति स्वाहा। चलिए मैं बड़े सम्मान के साथ बुला रहा हूँ जिन्होंने आज प्रथम सांधारा में अपनी सहभागिता दी है माननीय सतीश जी सुचित जी सचिन जी समूचा काला परिवार यहाँ आ जाए। महाराज जी ये वो काला परिवार है जिस परिवार में 30 वर्षों के बाद पुत्री हुई है 30 वर्षों के बाद पुत्री हुई है अभी उसका नामकरण महाराज जी के आशीर्वाद होगा। जल्दी आए चरणों का प्रक्षालन करने के लिए निवेदन कर रहा हूं कि तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने हो तेरे। डॉक्टर पंकज जी से मैं निवेदन करता हूं आपके साथ हाँ
सतीश जी के साथ डॉक्टर पंकज जी, हो तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने। अब इसी के साथ मैं निवेदन कर रहा हूँ प्रमोद जी, कमललाल जी का परिवार जो कि आज संरक्षक मैं पहुंच चुके हैं, मैं निवेदन करता हूँ परिवार कृपया यहाँ पर आ जाए और उनका बस बस चलिए आ जाए आ जाए। एक बार निवेदन कर रहा हूँ प्रमोद जी आप आइएगा, और माँ अगर यहाँ हो तो वो भी आ जाए। चलिए, हो तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने, हो तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने, जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर। भैया बस समय बिल्कुल नहीं बचा है, सीधे पहुंचना है अपने को प्रवचन स्थल पर, पूज गुरुदेव पहुंच रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं प्रवचन स्थल पर पहुंचे और पूज गुरुदेव के सानिध्य में आज अपन सब मिल करके रसास्वादन करेंगे पार्श्वनाथ भगवान के निर्वाण महोत्सव की इस पावन बेला में। सारे जग में शांति, अभी कलश नीचे रखिए टाइम लगेगा। सारे जग में शांति हो, सबका मंगल और कल्याण हो, जो नित्य शांति धारा के पुण्याधक है उनके उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज प्रत्यक्ष रूप से जिन्हें प्रथम शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ऐसे खंडवा औरंगाबाद से सतीश सुचित सचिन कुमार काला बानापुरा वाला परिवार खंडवा, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर से आज जिन्हें गुणायतन के ट्रस्टी से संरक्षक होने का सौभाग्य मिला, ऐसे सौभाग्यवती संध्या प्रमोद लाल जैन, सुपुत्री धुलिया, सुपुत्री सौभाग्यवती स्नेहा, डॉक्टर रवि कुमार गांधी अहमदाबाद, और आयुष गांधी परिवार, चिरंजीव आयुष गांधी परिवार अहमदाबाद, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। अरुण कुमार जी, प्रशांत कुमार जी, रविंद्र कुमार जी लोहाड़े, कहाँ वाले हैं भाई, कोपर गांव वाले, महाराष्ट्र कोपर गांव, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और आज जिनकी बिटिया का जन्मदिन है, विदिशा से नित्या जैन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में राहुल जैन रोशनी जैन परिवार, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। देवेश कुमार जी, धीरज कुमार, प्रिया समर्थ, विवेक जैन परिवार, सुथालिया गुणायतन दृष्टि अजमेर, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। गुणायतन दृष्टि चेतन दास जैन, मुकेश कीर्ति जैन, मृणाल जैन परिवार, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। या क्या लिखा, रोशनी जैन, नित्या जैन, ये तो बोल दिया मैंने, जिनका आज जन्मदिवस है, राहुल जैन परिवार, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। विमल कुमार जैन, गौरव जैन मदार अजमेर, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। संजय कुमार, अशोक कुमार जैन, अशोक कुमार जैन विदिशा, विशाखा वेदिका रिद्धि परिवार अहमदाबाद, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। तुषार मानसी विजय साधना जैन एडवोकेट दिल्ली, इनके 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 परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। शैलेश कुमार, संदीप कुमार, यशराज हिमांशी जैन गुना मध्य प्रदेश, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। श्रीमती पुष्पा बबीता जैन समस्त परिवार स्वास्थ्य लाभ की विशेष भावना से दिल्ली, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। प्रफुल्ल जैन, रत्नमाला जैन, संदेश आदेश स्वाति अंकुर जैन, कुमारी लब्धि जैन धुलिया, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। रजनीश जैन, रजनीश चंद्र जैन, पुलकित जैन, मोहन जैन, निधि जैन, स्थान का नाम नहीं लिखा, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। विद्या प्रमाणिक संघ दिल्ली, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। विमलाबाई भागचंद बिनाय के, विनोद कुमार, रविंद्र कुमार बिनाय के औरंगाबाद, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। अजित कुमार, पंकज कुमार, योगेश कुमार, सम्यक परिका, अनुष्का महिषार बड़जात्या परिवार, शायद गुणायतन ट्रस्टी तो नहीं है, गुणायतन ट्रस्टी औरंगाबाद, ट्रस्टी गुणायतन, हाँ आ जाइएगा, हाँ आ जाओ कोई बात।
चले देवादिदेव एक हजार राग आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की शिक्षिता के साथ में बैठे। चले पूज महाराज श्री के पावन कर कमलों में माजन वाणी प्रदान करेंगे। आज जिन्हें संरक्षक गुणायतन के संरक्षक बनने का सौभाग्य मिला हुआ है श्रावक श्रेष्ठी श्री प्रमोद जी गमन लाल जी परिवार धूलिया महाराष्ट्र। जल्दी से आ जाइएगा ऊपर पधारिएगा। आइएगा प्रमोद जी गमन लाल जी धूलिया जिन्हें गुणायतन के संरक्षक बनने का सौभाग्य आज प्राप्त हो रहा है। जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मिट दो। चलेगा बंधु आज मुकुट सप्तमी की पावन मंगलमयी बेला है और आज स्वर्ण भद्र कूट पर निर्वाण लाडू समर्पित किया जा रहा है। साथ ही साथ पर्वतराज पर स्थित चोपड़ा कुंड पर भी आज निर्वाण लाडू समर्पित किया जा रहा है प्रातःकालीन की मंगलमयी बेला में। दोपहर को 3 बजे गुणायतन परिसर में जिन मंदिर में विराजित पार्श्वनाथ भगवान के पावन चरणारविंद में निर्वाण लाडू समर्पित किया जाएगा और साथ ही साथ 3:30 बजे संवेदाचल पावन धाम पर निर्वाण लाडू समर्पित किया जाएगा। पार्श्वनाथ भगवान के पावन चरणारविंद में समस्त संघ की चरण सन्निधि में आइएगा बंधुओं। हाँ अभी नहीं चलेगा चला लो आप लोग चला लो। दोनों ब्रह्मचारिणी दीदी महाराज जी के चरणों में श्रीपद समर्पित करके मंगल आशीष ले लीजिएगा। आइएगा बंधुओं जैसे कि हम सभी के लिए मालूम है प्रतिवर्ष श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन किया जाता है पर्वराज पर्यूषण पर्व में और इस बार यह 28 सितंबर तक आयोजित हो रहा है जिसके लिए कल अंतिम तिथि है रजिस्ट्रेशन के लिए और 300 शिविरार्थियों के लिए और रजिस्ट्रेशन के लिए यह रजिस्ट्रेशन तिथि बढ़ाई गई थी और लगभग वह संख्या भी पूर्ण होने के लिए जा रही है। कुछ ही संख्या सीमित रह गई है जो आज में आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आज और कल 24 तारीख तक के लिए यह तिथि है। साथ ही बंधु इस वर्ष ऐतिहासिक चातुर्मास के बाद कार्तिक मास के आस्थानिक महापर्व पर 20 नवंबर से 27 नवंबर तक 108 मंडली संस्कृत भाषा का मूल सिद्धचक विधान का आयोजन सम्मेशकर तीर्थराज की इस पावन धरा पर पूज्यवर के पावन चरणारविंद में किया जाएगा। इस विधान के मुख्य पुण्यार्जक हैं गुणायतन के श्रोमणि संरक्षक श्रावक श्रेष्ठी श्री अतुल शीतल निहाल वंदन जी लदानी परिवार वक्सरा गुजरात से। लेकिन आप लोगों के हाथों में भी यह सौभाग्य होगा एक मंडल के पुण्यार्जक बनकर के आप अपने परिवार के 8 सदस्यों के साथ में मात्र 2,11,000 रुपए की राशि प्रदान करके यह सौभाग्य अर्जित कर सकते हैं। इसमें आपके लिए समिति की ओर से आवास व्यवस्था भोजन व्यवस्था वस्त्र और द्रव्य सामग्री की व्यवस्था यहां पर की जाएगी। और साथ ही बतला दें इस बार का विधान विशेष विधान है क्योंकि प्रत्येक मंडल और प्रत्येक मंडल के समक्ष श्री जी विमान में विराजित होंगे इसलिए यह सौभाग्य आपके हाथों में होगा। एक मंडल एक विमान जी श्री जी सब कुछ आपके समक्ष होगा और यह सौभाग्य आपके हाथों में है। कल सायंकाल जैसे ही घोषणा की गई तब से ही इन मंडलों के लिए लोगों ने अपने बुकिंग करना प्रारंभ कर दिया है। जो पहले आएगा वह पहले पाएगा। 108 मंडली विधान पहली बार यहां पर संपन्न किया जा रहा है और प्रतिवार की भांति इस बार राशि भी कम की गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए सौभाग्य प्राप्त हो सके। मात्र 2,11,000 रुपए की राशि में आप परिवार के 8 सदस्यों के साथ में इस पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। आइएगा दोनों हाथों को जोड़ते हैं हम पूज महाराज श्री के पावन चरणारविंद में मुकुट सप्तमी के पावन पुनीत मंगलमयी बेला में प्रातःकालीन मंगल देशना के लिए निवेदन करते हैं। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। Ramo Ramo
परिहंतान नमो अरिहंतान नमो सिद्धान नमो सिद्धान नमो देव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज जय 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 गुणायतन प्रवीता प्रणेता पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की हे महाराज श्री नमोस्तु। आज पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण दिवस है। हजारों की तादाद में लोग ऊपर पहुंचकर पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में अपनी श्रद्धा भक्ति अर्पित कर रहे हैं। जो नीचे रह गए हैं वे भी अपनी भावनाएं यहाँ से समर्पित कर रहे हैं। भगवान के प्रति इस तरह की श्रद्धा भक्ति होना बहुत अच्छे लक्षण है, लेकिन हमें ये देखना है कि हम केवल पार्श्वनाथ भगवान को पूज रहे हैं अथवा उनके आदर्शों को भी अपना रहे हैं। भगवान हमारे आदर्श हैं, आदर्श की पूजा करना बहुत सरल है, लेकिन आदर्शों का अनुकरण करना बहुत कठिन है। हम लोगों के साथ अभी तक यही होता आया है। हमने ऊंचे ऊंचे आदर्श स्थापित किए, उनकी पूजा की, लेकिन उनका अनुकरण नहीं किया। यदि हम उनका अनुकरण कर ले तो तय मानना हम भी उनके स्थान पर पहुंचने के अधिकारी हैं। आज नहीं कल हम भी वहीं अपना स्थान पा सकते हैं। आज बात मैं आपसे भगवान पार्श्वनाथ और उनके जीवन दर्शन की करना चाहूँगा कि पार्श्वनाथ भगवान से हम क्या पाठ पाएं। मेरे मूल आराध्य भगवान पार्श्वनाथ, मैं नित्य उनका स्मरण करता हूँ। इसलिए नहीं कि पार्श्वनाथ भगवान 24 तीर्थंकरों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, इसलिए नहीं कि पार्श्वनाथ भगवान मेरे विघ्नों का निवारण कर दें। पार्श्वनाथ भगवान मेरे आराध्य इसलिए हैं क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान से हमें समता का पाठ मिलता है, पार्श्वनाथ भगवान से हमें सहजता का पाठ मिलता है,
पारसनाथ भगवान से हमारे लिए संघर्ष का पाठ मिलता है, पारसनाथ भगवान से हमें क्षमा का पाठ मिलता है। जीवन को मजबूत बनाने के लिए ये सब चीजें बहुत जरूरी है। मनुष्य बाहर से कितना भी समर्थ क्यों ना हो, यदि अंदर चीजों को पूरी तरह से झेलने की ताकत ना हो, मन में क्षमता ना हो, मन में सहजता ना हो, चीजों को का सामना करने की सामर्थ्य उसके अंदर ना हो और क्षमा का भाव ना हो, तो अपने जीवन का उत्कर्ष नहीं कर सकता। पारसनाथ भगवान की पूरी कहानी को जब हम पलट करके देखते हैं तो उनके हर जीवन में हमें ये संदेश मिलता है। काश हम वह संदेश ले, आत्मसात करें और अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। भगवान पारसनाथ का एक संदेश है कि तेरे जीवन की जो भी समस्याएं वो तेरे ही वजह से है और उसका समाधान भी तुझे ही निकालना है, कोई दूसरा तेरा समाधान नहीं कर सकता। पर मुखापेक्षिता से बचो, अपने जीवन की वास्तविकता को समझते हुए आगे बढ़ो और जो हो जैसा है उसे, कल मैंने समता की बात आप सबसे की, आज मैं बात कर रहा हूं अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हो। चूंकि हमारा अनेक लोगों से संपर्क होता है, सब तरह के लोग होते हैं, मिलते जुलते हैं, एक गुण क्षमा का अपने अंदर होना चाहिए। क्षमा का गुण जितना बढ़ेगा हमारा जीवन उतना सहिष्णु बनेगा और हम जितना अधिक सहिष्णु बनेंगे उतनी सहनशीलता आएगी और जितनी सहनशीलता आएगी उतनी हमारी सामर्थ्य बढ़ेगी। तो क्षमा, सहिष्णुता, सहनशीलता और सामर्थ्य को विकसित करना हमारे जीवन का मूलभूत ध्येय होना चाहिए। सच्चे अर्थों में समर्थ वो नहीं जिसके पास अपार धन वैभव है, समर्थ वह नहीं जिसके पास प्रचुर संपदा है, समर्थ वो नहीं जिसके पास धन बल है, सत्ता बल है अथवा अन्य प्रकार की शक्तियां हैं। सच्चे अर्थों में समर्थ वह है जिसके अंदर आत्म शक्ति है, आत्म बल है, अपने आप में स्थिरता रखने की सामर्थ है। पारसनाथ भगवान के चरित्र को पलट कर देखो, हर भाव में ऊपर से देखा जाए तो कमठ उनसे सबल था। जिसने पारसनाथ भगवान की हत्या की, चाहे वो मरुभूति थे तब, हाथी बने तब, राजा बने तब, ये बढ़ते 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 जब जब उन पर सामने वाला भारी बना ऊपरी दृष्टि से, लेकिन सच्चे अर्थों में देखा जाए तो उसने उन पर उपसर्ग किया, इनने उसको सहन किया, वो क्रोध में भरा रहा, ये क्षमा में भरे रहे। नतीजा क्या निकला? हर भाव में उसका पतन हुआ और इनका हर भाव में उत्थान होता गया। क्या समझते हैं हम इस कहानी से, क्या समझते हैं हम इस कहानी से, क्या निष्कर्ष है हमारा इस कहानी से? हमने पाया कि पारसनाथ भगवान ने क्षमा के बल पर अपने आप को ऊंचा उठाया तो कमठ ने अपना हर भाव में पराभव किया। शक्ति बाहर की होगी, बाहरी शक्ति मनुष्य को पिशाच बनाती है और आत्मशक्ति के विकास से मनुष्य के भीतर में भगवत्ता प्रकट होती है। कमठ का पराभव होता गया, पारसनाथ आगे बढ़ते गए। मैं आपसे केवल इतना कहना चाहूंगा, तुम्हारे घर परिवार में जिनसे तुम्हारा रोज का उठना बैठना है, मिलना जुलना है, ऐसे लोगों का यदि कोई छोटा मोटा व्यवहार हो जाए, ऊंचा नीचा हो जाए, तो क्या हम उसको क्षमा नहीं कर सकते? करा जा सकता है कि नहीं? हाँ,
आज से पाठ लो कि मैं अपने जीवन में कभी किसी के साथ द्वेषपूर्ण संबंध नहीं रखूंगा। पारसनाथ भगवान के मन में कोई द्वेष नहीं था, पर कमठ के मन में द्वेष ही नहीं पैर बंधा था। चार स्थितियां द्वेष, वै विरोध, विद्वेष विरोध बैर और फिर प्रतिशोध। द्वेष से यात्रा की शुरुआत होती है और प्रतिशोध में उसका अंत। किसी के प्रति हमारे मन में किसी प्रकार का द्वेष होता है तो फिर हम उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। द्वेष हुआ विरोध शुरू, जिस किसी का भी के प्रति भी द्वेष हुआ उसकी अच्छी बात भी बुरी लगेगी, जिससे प्रेम होगा उसकी बुरी बात भी अच्छी लगती है ना। आप उसकी बुराई में भी अच्छाई देखोगे और द्वेष होगा तो उसकी अच्छाई में भी बुराई दिखेगी। आपके मन में किसी प्रकार की किसी के प्रति किसी प्रकार का द्वेष है तो उस द्वेष को वहीं समाप्त करो और क्षमा रखो, द्वेष कभी बढ़ेगा ही नहीं। क्षमा रखते ही द्वेष खत्म। और ये आप सबके अनुभव में भी होगा, कई लोगों के साथ ऐसा होता है किसी से अनबन होती है। अब चलो आगे मत जाओ, बचपन की बात याद करो, वो ज्यादा प्रैक्टिकल। बचपन में किसी से द्वेष होता है तो तुरंत कट्टी हो जाती होती ना, सबने की होगी। लेकिन जैसे ही तालमेल बना कट्टी वापस दोस्ती में परिणत हो जाती है। कट्टी रहने तक मन में द्वेष था, सामने वाले की बुराइयां दिखती थी, एक बार कट्टी खत्म करके दोस्ती के लिए हाथ बढ़ा लिया सारे दोष खत्म है ना। पर क्या बताऊं, बच्चे जल्दी कट्टी करते हैं तो दोस्ती करने में देर नहीं लगती क्योंकि उनका मन अपेक्षाकृत साफ होता है। पर बड़ों की एक बार कट्टी होती है तो न जाने कितनी जिंदगी खट्टी हो जाती, भाव भाव तक चलता है। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपको क्षमा की सामर्थ्य देखनी है तो जिससे द्वेष है एक बार क्षमा करके देखो, तुम्हारे सारे दुर्भाव तत्क्षण नष्ट हो जाएंगे, तत्क्षण नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि द्वेष द्वेष तक नहीं रुकता, द्वेष होने पर विरोध होता है, विरोध होने के बाद बैर बनता है, बैर की गांठ बनती है और ये बैर की गांठ प्रतिशोध की ज्वाला जलाती है जिसकी आग में सब स्वाहा होता है। इसलिए क्या करना, पहला काम क्या, किसी से द्वेष नहीं करना। तो इस चरण में आज पारसनाथ निर्वाण महोत्सव के अवसर पर एक नई शुरुआत में चाहूंगा कि आज तक जिससे द्वेष था उसको एक तरफ रखो, उसकी बात बाद में, लेकिन अब किसी से नया द्वेष उत्पन्न नहीं करूंगा। ये काम कर सकते हैं कि नहीं, हाँ, नया द्वेष कर सकते हो, हाँ, तालियां बजा रहे हो, अभी बाहर जाके बोलोगे बड़ा कठिन है, क्यों आदत ही ऐसी बनी हुई है। एक संकल्प, पहला संकल्प जीवन के सुधार की प्रक्रिया यहां से शुरू होगी कि अब हम किसी से नया द्वेष उत्पन्न नहीं करेंगे। और नया द्वेष उत्पन्न ना हो उसके लिए क्या करना है, यदि कोई कुछ बोल दे तो नजरअंदाज कर दो, क्षमा कर दो, और तुमसे अगर किसी के साथ गलत हो जाए तो तुरंत क्षमा मांग लो, भैया माफ करना मुझसे गलती हो गई, कर सकते हो कि नहीं, हाँ। लेकिन बहुत कठिन है गांठ, ऐसे तो आप सामान्य रूप से किसी को भी सॉरी कह दोगे,
पर कभी तुमने अपने बच्चे को डांट दिया जोर से बिना वजह के डांटा? कभी मन में आता है कि मैं अपने बेटे को बिना वजह के डांटा है, अपनी बहू को बिना वजह से झाड़ा है, उससे सॉरी कहूं? बोलो, कर सकते हो? अरे महाराज, उसको क्या सॉरी करना, हो तो मेरा बेटा, वो हमारी बहू है, उसको डांटने का मुझे अधिकार है। यही सोच की कमी है। किसी से भी यदि आपने अपने नौकर चाकर या किसी भी सहयोगी या जो आपके संपर्क में आता है, ये एक पहली कोशिश करो कि मैं किसी से दुर्व्यवहार ना करूं, और कदाचित संस्कार वश हो जाए, चूक वश हो जाए, गलतफहमी वश हो जाए, किसी भी वजह से हो जाए, जैसे ऐसे हो, सामने वाले को दुख पहुंचा है, तुरंत भाई साहब क्षमा कीजिएगा, मुझसे गलती हो गई, मैं उस समय ध्यान नहीं दिया, मेरी ये नादानी थी, मुझे माफ करो, आपको दुख हुआ इसका मुझे बड़ा खेद है। बोलो, सामने वाला पानी होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। तो तुम लोग क्या करते हो? महाराज, हम उसको पानी क्या करें, हम खुद ही आग बन जाते हैं। तो आग के आगे तो पानी भाप बनता है। आग नहीं बनना, आप अपने अंदर ऐसी सरलता ले आओगे तो ये दुविधाएं नहीं होगी। और ये सब जरूरत किसके साथ है? घर परिवार के साथ, मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अथवा अपने कलीग्स के साथ, अपने सहकर्मियों के साथ? इन्हीं से तो तुम्हारा संपर्क है। तो अपने संबंधों की मधुरता किसके बीच होनी चाहिए? जिनके साथ आप रहते हैं। ऐसे तो मैं सब जीवों से क्षमा मांगता हूं, सब जीवों को क्षमा करता हूं। बोलते हो कि नहीं? सबसे क्षमा, सबको क्षमा। और वहीं कोई आ जाए द्वेषी तो नजरे टेढ़ी आंख लाल। तो क्या क्षमा, किसको क्षमा? क्षमा तब होगी जब तुम्हारा मन साफ होगा, और मन तब साफ होगा जब तुम अपने जीवन के प्रति सावधान होगे। 10 भाव तक कमठ ने क्षमा नहीं किया, उसने अपना पराभव किया। तुम किसी को क्षमा नहीं करोगे, तुम्हारा क्या होगा? ध्यान रखना, जिसको तुम बैर रखे हो, जिससे तुम बैर रखे हो सकता उसका उत्कर्ष हो जाए, यदि उसका मन साफ हो। उदाहरण पार्श्वनाथ का है। लेकिन जो बैर रखता है उसका तो पतन पक्का है ना? पार्श्वनाथ भगवान की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं था, द्वेष नहीं था, बैर नहीं था, प्रतिशोध भी नहीं। लेकिन एक गलत फहमी से उसने अपने अंदर ऐसी वैर की गांठ बांधी जिसके संस्कार 10 भाव तक उसके अंदर बने रहे। समझ रहे हो बात को? तो पारसनाथ भगवान के सच्चे अनुयायी बनना चाहते हो तो पहली बात ये करो मन में कि मेरे मन में किसी के प्रति वैर ना हो, और वैर ना हो तो उसका मूल है द्वेष ना बने। मैं द्वेष ना रखूं, कोई कुछ भी कर दे क्षमा करूं और क्षमा मांगू। मन साफ होगा, कोई नया द्वेष नहीं होगा, और जब नया द्वेष नहीं होगा तो किसी का फिर विरोध भी नहीं होगा, विरोध नहीं होगा तो बैर भी नहीं होगा, और बैर नहीं होगा तो प्रतिशोध भी नहीं होगा। देखो, क्षमा की ताकत आपको बताता हूं। मैं एक शहर में था, हमारे प्रवचन की श्रृंखला थी, और उस प्रवचन की श्रृंखला में मैंने एक दिन अपना प्रवचन परिवार की खुशहाली पर दिया। श्रृंखला चल रही थी, हजारों की तादाद में लोग आते थे। उसी मध्य एक परिवार आया, परिवार में मां थी, दो भाई, उनकी धर्मपत्नियां और उनके बच्चे आए और मेरे सामने फूट फूट करके रोना शुरू कर दिया।
उन्होंने एक साथ कहा, महाराज जी आज आपने हम पर बड़ा उपकार किया, आपकी कारण हमारे हमारा घर बच गया। मामला क्या है? तो जो बड़ा बेटा था उसने कहा, महाराज ये मेरी माता जी हैं, ये मेरे छोटे भाई, हम अपनी माता जी से पिछले 15 वर्ष से बात नहीं करते थे, बात नहीं। और महाराज जी बात ही नहीं, भाई और मेरे साथ बड़ा द्वेषपूर्ण संबंध, एक दूसरे का विरोध, और हम दोनों का बिजनेस सेम, हम दोनों ने एक दूसरे को न जाने कितना नुकसान पहुंचाया। आपके प्रवचन से मेरा चित्त उद्वेलित हुआ। प्रवचन में दोनों परिवार आता था, संयोग से दोनों धार्मिक थे, चौका लगाने वाले, पूजा पाठ करने वाले, साधुओं की सेवा में तत्पर रहने वाले। बोले, महाराज जी आपने जब प्रवचन में ये बातें कही और माता पिता का महत्व समझाया, भाई के बंधुत्व की बात की, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सब आप मेरे लिए कह रहे हैं। तो मैंने मन ही मन फैसला किया, आपने कहा था अगर किसी से बैर है तो एक बार खुले मन से जाओ, उसके चरणों में सिर रखो, अगर बड़ा है तो, और नहीं भी है तो जाके हाथ जोड़ो और कहो, भाई मुझसे कुछ गलती हुई है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ, तुम मुझे माफ़ करो, फिर देखना क्या होगा। महाराज जी मैं, मेरे बाजू में मेरी धर्मपत्नी बैठी थी, मैंने दोनों ने तय किया कि प्रवचन से सीधे माँ के पास जाना है। संयोग इधर इनके मन में ऐसे भाव घट रहे, उधर उनके भाई और माँ के मन में भी ऐसा कह रहे कि नहीं, इस बैर की संतति को ख़त्म करना। बोला, महाराज मैं घर गया, सीधे प्रवचन से घर पहुँचा। जैसे घर पहुंचा और माँ के चरणों में मैंने सिर रखा और कहा, माँ मुझे माफ करो। बोले, महाराज मैं क्या कहूँ। तत्क्षण मेरी माँ ने मुझे अपने गले से लगा लिया और मेरे और माँ के आंखों में जो आंसू की धार बही, समझ लो मन का सारा मलाल दूर हो गया। इस दृश्य को देखते ही उसी समय भाई और बहू भी आई। महाराज जी हम लोगों ने उसी समय अपना क्षमापना किया और 1 घंटे हम लोग आपस में रोए हैं। महाराज आज मेरी 100 करोड़ की संपत्ति होगी, इतनी संपत्ति कमाने में हमें जो खुशी नहीं मिली, आज मन का बैर मिटने के बाद वो खुशी मिली, मन का द्वेष मिटने के बाद खुशी मिली। और हम लोगों ने तय किया कि कल सबसे पहले महाराज श्री के चरणों में जाकर अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे कि आपके कारण हमारा परिवार संभल गया। अब ये घटना 2004 की है, 19 बरस हो गए, पूरा परिवार आज भी जुड़ा है और बड़े प्रेम से रह रहा है। ये है क्षमा की ताकत। आप कर सकते हो ऐसा? बोलो, कर सकते हो? यहां से जाने के बाद या जितने लोग घर बैठे प्रवचन सुन रहे हैं, समीक्षा बनाओ। नया देश तो किसी से करेंगे नहीं, जिनके साथ पुराना देश है उससे क्षमा मांगेंगे या क्षमा करेंगे। लिस्ट बनाओ, 10-5 तो होंगे ही, उसमें से किसी एक का हिसाब क्लियर करेंगे। एक से शुरुआत कर सकते हो? बोलो, कर सकते हो? तो मन ही मन संकल्प करो और यहां से जाते ही सबसे पहले यही ऑपरेशन करेंगे। बदलाव आएगा, द्वेष खत्म होगा तो विरोध मिटेगा, विरोध मिटेगा तो बैर नष्ट होगा, और बैर खत्म होगा तो प्रतिशोध की भावना ही नहीं होगी, क्योंकि प्रतिशोध एक प्रकार की हिंसा है जिसमें व्यक्ति खुद भी भस्म हो जाता है। ये ज्वाला ठीक नहीं, हमें किसी से करना ही नहीं। आपस में इस तरह की भावना रखेंगे, आपस में इस तरह का व्यवहार रखेंगे तो हमारा जीवन कभी आगे नहीं बढ़ सकेगा। तो पहली बात, मन में क्षमा का भाव बढ़ाना है। आप सब कर सकेंगे ना? मैं मान लूं कि महाराज यहां से जाने के बाद तो पहले सबसे पहले यही काम करेंगे। क्षमा के बाद सहिष्णुता,
केवल क्षमा करने मात्र से काम नहीं चलेगा। एक बार क्षमा कर दिया, दूसरी बार फिर किसी ने कुछ कहा तो पुरानी आग फिर से उग जाए, प्रकट हो जाएगी। सहिष्णुता, सहिष्णुता का मतलब सहनशील बनो, चीजों को नजरअंदाज करो, उदार बनो। यदि किसी ने कुछ कह भी दिया तो उसे नजरअंदाज करने की क्षमता विकसित करो। मैं आपसे कहता हूं, छोटा बच्चा कई बार अनर्गल बात कर देता है और अभद्र व्यवहार कर देता है, करता है कि नहीं? छोटा बच्चा, आजकल तो छोटे छोटे बच्चे कई बार चांटा भी दे देते हैं कि नहीं देते? आप उसकी उस हरकत को देखकर क्या करते हो, उसको उल्टा ठोकते हो कि उसे प्यार से पुचकारते हो, उसकी बात को नजरअंदाज कर देते हो, क्या करते हो? हाँ, प्यार से पुचकारते हो, बल्कि उसमें भी खुश होते हो। क्यों? क्योंकि उस बच्चे के प्रति प्रेम है। बस मैं इतना ही कहता हूँ, जिसके प्रति हृदय में प्रेम होता है उसका दुर्व्यवहार भी अच्छा लगने लगता है। यही प्रेम भाव अपने मन में जगा लो। क्षमा आएगी तो प्रेम बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा तो तुम्हारे हृदय में सहिष्णुता आएगी, तुम्हारा मन उदार होगा। फिर चीजों को नजरअंदाज करना शुरू कर दोगे। आप अपने मन से पूछो, अपने साथ वालों की बातों को नजरअंदाज करते हो या नोटिस में लेते हो? पति पत्नी दोनों बैठे, वर्ष का आखिरी दिन था। धर्म पत्नी ने कहा, एक काम, दो डायरियां थी, एक पति की तरफ बढ़ाया, एक अपने पास रखा। बोली, ये डायरी हम रखते हैं, कल से नया साल शुरू होने वाला है, अब कल से आपकी गलतियों को मैं लिखूंगी, मेरी गलतियां आप लिखना, और अगले साल के आखिरी दिन हम देखेंगे कि साल भर में किसकी कितनी गलती हुई। ठीक है, पति मान लिया। साल पूरा हुआ, दोनों फिर मिले। धर्म पत्नी ने पूछा, डायरी तैयार? बोले तैयार है। लो पहले मेरी डायरी देखो। पति ने डायरी खोला, हर पन्ना गलतियों से भरा। वो डायरी नहीं, गलतियों का पुलिंदा बन गया। पति प्रेम से एक एक पन्ने को पलट पलट करके मुस्कुराते हुए देखता गया, आप क्या करते हैं, मेरा ध्यान नहीं देते हैं, आज आपने हमारे वस्त्रों का ध्यान नहीं रखा, इस बार आपने ज्वेलरी अच्छी नहीं लाई, इस बार घर का सामान लाने में देर कर दी, आपने बच्चों की केयर नहीं की, हमको घूमने नहीं ले गए, ये नहीं, जो चीज़ें होती है पूरा वो गलतियों का पुलिंदा बन गया। पूरी डायरी देखने के बाद पत्नी ने बोला, आप मेरी डायरी दो। पति ने अपनी डायरी बढ़ा दी। पत्नी डायरी खोले, पूरी डायरी खाली, एक एक करके पन्ना पलटते गए, बिल्कुल खाली। पत्नी ने कहा, आपने कुछ लिखा ही नहीं। बोले, देखो तो मैंने लिखा है। जब उस डायरी के आखिरी पन्ने पर गई, 31 दिसंबर पे, तो लिखा था, तुम्हारे प्रति उमड़े मेरे प्यार ने तुम्हारी गलतियों को देखने ही नहीं दिया, तो फिर क्या लिखो? बस धर्म पत्नी अभिभूत हो गई, चरणों में गिर गई। मैं आप सबसे यही कहता हूं, चीजों को नजरअंदाज करने की क्षमता अपने अंदर विकसित कर लो। तुम्हारे हृदय में अगर अच्छा प्रेम हो, स्नेह होगा, तो ये दुविधाएं कभी नहीं आएगी। आप चीजों को नोटिस करते हैं और मैं कहता हूं इग्नोर करो, छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करो, सहिष्णुता लाओ। और फिर मुझे 2 मिनट में बात पूरी करनी है, समय हो गया। पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो परिस्थिति जन्य है, विपरीत स्थितियां हैं, जो विरुद्ध है उसका सामना करो। जो है एक चुनौती के रूप में स्वीकार करो, चाहे कितना भी संघर्ष हो, ये मान करके चलो संघर्ष में मेरा उत्कर्ष है। चाहे विपत्ति हो, चाहे बीमारी हो, चाहे वियोग हो या विसंगति, क्या करना है? भागना है, सामना करना है। इनके आगे जागो, भागो मत, इनका सामना करो,
और जब इनका सामना कर सकेंगे तो अपने जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकेंगे। पार्श्वनाथ भगवान के निर्वाण महामहोत्सव में यदि हम उनकी बातों को आत्मसात करें, जो क्षमा है, सहिष्णुता है, सामना है और उनको स्वीकार करने की शक्ति है, यदि ये चीज़ें हमारे हृदय में विकसित होती है, सुनिश्चित तौर पर हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। समय आप सबका हो गया है, इसलिए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। चलेगा अपने स्थान पर खड़े होते हैं माँ जनवाणी की वंदना के लिए। जवानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, शोभानी मस्तक नमो सदा देते हो रोग। हे जिनवाणी भारती तोहे जपो दिन रेन, जो तेरो शरण गए सो पावे सुख चैन।